नमस्कार दोस्तों, एम कलेक्ट्रियल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये तूफानी पंखे की मोटर है, ये हमारे यहाँ रिपेयर के लिए आई थी। दोस्तों दोस्तों वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, अच्छे से समझना। दोस्तों ये देखो, इसकी जो कॉयलें हैं, ये एक कॉयल तो बोल रही है, हमारी स्टार्टिंग कॉयल बोल रही है या रनिंग कॉयल बोल रही है, एक कॉयल बोल रही है इनमें से। अब हमें ये पता करना है कि हमारी कौन सी कॉयल नहीं बोल रही है। तो दोस्तों ये देखो, काली वाली कॉयल हमारी नहीं बोल रही है। अब ये काली वाली कॉइल हम कैसे देखें कि इसमें परेशानी क्या है? तो दोस्तों हमें इसे खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों इसको देखना है अच्छे से, कोई तार कट तो नहीं है कहीं पर भी कोई। तो देखो, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये जो है जला हुआ है। ये देखो, यहाँ पर कोई फॉल्ट हुआ है अच्छा सा, और वो फॉल्ट जो हुआ है उसी की वजह से यहाँ पे चार से तार जो है कट गए हैं। दोस्तों दोस्तों ये कॉपर का होने के कारण इस पर सोल्डरिंग हो जाएगी और ये रिपेयर भी हो सकता है। दोस्तों अच्छे से देखना, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर काला पड़ा हुआ है, ये यहाँ से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हमें इस पर सोल्डरिंग करनी है। सोल्डरिंग किस तरीके से करनी है दोस्तों? पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा तार कहाँ पर है। ये देखो, पहले मैं ब्लैक वाला चेक करता हूँ, ये कहाँ पर बोल रहा है हमारा। तो ये देखो, मैं ब्लैक वाला चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो ये यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ से एक तार यहाँ से उठाना है और दूसरा तार देखना है कहाँ बोल रहा है, इसके बराबर में ही कहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे। तो दोस्तों हमें जो ये तार बोल रहे हैं दोनों आपस में, हमें इन्हें आपस में सोल्ड कर देना है एक तार से। दोस्तों यहाँ से हमें एक तार लगाना है और दोनों को आपस में सोल्ड कर देना है। दोस्तों मैंने भी यही काम किया है, ये देखो दोस्तों, सोल्ड अच्छे से करना है, क्योंकि गर्म होने के बाद क्या होता है कि सोल्ड हट जाता है और हमारा फैन दोबारा से ख़राब हो जाता है, और हो सके तो बार्निश भी डाल दो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखो दोस्तों, मैं इसको सोल्ड कर रहा हूँ। सोल्ड करने के बाद दोस्तों इसको चेक करके आपको दिखाऊंगा। चेक करने के बाद ये देखो, मैंने इसको सोल्ड कर लिया है। सोल्ड करने के बाद दोस्तों इस पर जो पेपर लगा होता है, पेपर भी लगाऊंगा मैं। दोस्तों मैंने इसमें आपस में तार जो है एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, इसलिए इसमें स्लिप लगा ली है। स्लिप से क्या है कि हमारे आपस में तार कनेक्ट नहीं होते हैं एक दूसरे से, हमारा पंखा लंबे समय तक चलता है। दोस्तों इस तरीके से मैं इसमें पेपर भी लगाता हूँ, पेपर निकाल के ही हमने इसको सोल्ड किया है, प्रॉपरली सोल्ड किया है दोस्तों अच्छे से। अब देखो, मैं इसको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको। ये देखो दोस्तों, ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का था, ये रेड और ब्लैक बोलने लग गए, और नीला और ब्लैक ये भी बोलने लग गए। ये देखो देखो, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पंखा प्रॉपरली सही होकर तैयार हो गया है। दोस्तों हम इसको अब करेंगे क्या कि इसको स्टेटर उसमें फंसाएंगे पंखे की बॉडी में, उसके बाद दोस्तों इसको चलाएंगे। दोस्तों अच्छे से मैंने दोबारा से चेक करके आपको दिखा दिया है। वीडियो पूरा अच्छा लगे तो एक लाइक करें।